16 दिसंबर 2021 का मयूरिया में आए हैं और इधर बहुत मजा आ रहा है, बर्फ पड़ी हुई है, ये इसी ईयर की बर्फ है। ये खान साहब हमें मिले हैं, ये खान साहब कह रहे हैं लोग झूठ, लोग कह रहे हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ लेकिन नहीं, ये सच बोल रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फिकर लाल और आप देख रहे हैं पाक गलियात व्लॉग। आज मैं लाइव हूँ जी अयूबिया से जी, और एक हमें भाई मिले थे तो उनसे हमने इंटरव्यू भी लिया। उनसे पूछा यार बताएं कि ये स्नोफॉल कब की है और क्या डेट है, तो उन्होंने बताया, आपको अपने पीछे सुन लिया तो उससे आपको पता चल गया होगा कि कोई फेक न्यूज़ नहीं है, रियल न्यूज़ देते हैं। अभी देखें जी, हम चेयर लिफ्ट के पास खड़े हैं अयूबिया के पास। टूरिस्ट की बात करें और मौसम की बात करेंगे इसमें, और रोडों के हवाले से बात करेंगे, और स्नोफॉल आने वाले दिनों में कब तक चांसेस हैं। तो देखें जी, अभी जो है कि मौसम के हवाले से काफ़ी सर्दी है और स्नोफॉल के चांसेस बने हुए हैं, किसी टाइम भी आ सकती है, लेकिन अभी स्नोफॉल आज 16 दिसंबर है और आज कोई भी चांसेस नहीं थे। अभी सुबह से लेकर अभी तक कोई स्नोफॉल नहीं हुई, तो मुझे लग रहा है कि शाम तक कुछ हो सकता है लेकिन नहीं। और मरी की बात करूं जी, मरी मार रोड की तरफ स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं हुई, ना कोई बूंदाबांदी, कुछ भी नहीं हुई। अगर जो कोई भी वीडियो अपलोड हो रही है तो वो समझ लें जी एक साल पुरानी है, पिछले साल की वीडियो अपलोड हो रही है। अगर जो देखें जी नथिया गली वाली साइड पर अगर जो स्नोफॉल नहीं हो रही, अगरचे गलियात वाली साइड पर जो सबसे ऊँची पहाड़ियाँ हैं उन पर स्नोफॉल नहीं हो रही, तो सोचें कि मरी में कैसे होगी। ये मरी से बहुत ऊँची पहाड़ियाँ तकरीबन 13,000 फुट बुलंदी पे हैं सतह समुंदर से, यहाँ पे अगर जो स्नोफॉल नहीं है तो और नथिया गली में मरी में कैसे होगी। तो दूसरी बात ये देख सकते हैं जी, अभी रश के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं लोग, इधर बैठे हैं, घोड़ा सवारी कर रहे हैं, कुछ चाय पकौड़े वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो सारे मामलात कर रहे हैं, साइड एरियाज़ में जा रहे हैं, पाइपलाइन ट्राइक वाली साइड पर जा रहे हैं, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा मंजर बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है यहाँ पर, जो कि अयूबिया का दिल था, अयूबिया की शान थी, जिसका चेयर लिफ्ट सिस्टम था। चेयर लिफ्ट जो है कि बिल्कुल बंद की हुई है, आप देख सकते हैं। चेयर लिफ्ट क्यों बंद है, अगर इस चीज़ का आपको नहीं पता, मैंने एक वीडियो पहले इस पे बना चुका हूँ, वो देखनी है तो मेरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं, टाइटल में यहीं लिखा होगा चेयर लिफ्ट क्यों बंद, और डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा लिंक दे दूँ ताकि आप वहाँ से इसका पता लगा सकें चेयर लिफ्ट कब ओपन होगी और क्यों बंद है। तो दूसरी बात जी, रोडों की बात की जाए तो देखें जी, रोड बिल्कुल क्लियर है, लेकिन एहतियात के साथ मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, क्योंकि पानी जहाँ से गुजरता है वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। लेकिन आप एक काम करें, रात को सफ़र बिल्कुल ना करें, ये मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, इस पे अमल करें, रात को सफ़र आपने बिल्कुल नहीं करना। और दूसरी बात जी, देखें जी स्नोफॉल नीचे कितनी कितनी पड़ी हुई है, ये आपके सामने है जी, तकरीबन 2 से 3-4 इंच तक स्नोफॉल हुई थी, तो ये अभी तक पड़ी हुई है जहाँ पर धूप वगैरह नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आज धूप सुबह का टाइम निकली है, कल भी थी और आज भी निकली है, लेकिन स्नोफॉल पिघली नहीं है, देख सकते हैं आप आगे एंजॉय कर सकते हैं। साइड एरियाज़ में जाएं जहाँ पे धूप वगैरह नहीं लगती, यूबिया के मतलब पाइपलाइन ट्रैक हो गया, इस तरफ चले जाएं आप, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिल सकती है, आप जहाँ पे अपने एंजॉय खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको बड़ी ज़बरदस्त लगी होगी, अगर जो ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें हेल्पफुल आपको कोई चीज़ मिली तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और 30 लाइक का टारगेट है और लाजमी 30 लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे चाहूँगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।